अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियोस मिक्स एंड मैच हैं क्योंकि कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है। तो आज की वीडियो में जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने वो आपको गोल्डन टी की रेसिपी बतानी है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को जो मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, मुझे कॉमेंट्स में बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने कल वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो व्यूवर्स, मैंने इसलिए नहीं की है कि कल ऑफ था। वीक में एक दिन ऑफ भी तो होता है ना। बस लास्ट मंथ ऐसा था जो मैंने सारा मंथ वीडियोस अपलोड की थी, मतलब एक दिन भी ऑफ नहीं लिया था। लास्ट वीक में मैंने एक ऑफ लिया है और अब फिर दोबारा से कल ऑफ लिया है। एक्चुअली नहीं भी जी चाहता ना कभी कभी काम करने को, डेट्स वाई कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं थी की। वैसे भी व्यूवर्स, सारी जिंदगी हम काम करते रहे ना, किसी से हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। मैंने तो जिंदगी में ये देखा है, आप हर वक्त हर किसी के लिए कोई ना कोई काम करते रहो। कोई भी बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है, शायद सिर्फ पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको रिवॉर्ड देते हैं, और बड़ी जात अल्लाह ताला की जात है जो हमेशा हमें रिवॉर्ड देती है, और अल्लाह ताला मुझे रिवॉर्ड देंगे भी इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा उम्मीद है, बाकी मुझे किसी बंदे से कोई उम्मीद नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए अब मेरा बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं किसी का एहसास करूँ, किसी के लिए कुछ करूँ। इवन कि किसी के लिए कभी कभार तो मेरा ऐसा दिल हो जाता है कि मैं किसी के लिए खाना भी ना बनाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कोई गेस्ट आने होना तो मैं यासी को कहती हूँ आप ना ऐसा करें, मार्केट से ही ले हैं। मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा खाना बनाने को, लेकिन फिर नेचर की बात आ जाती है। मेरी नेचर कुछ इस तरह है कि तो अगर कोई खाना बनाना अपने हाथों से बना के उसे खिलाऊं, बस मेरी नेचर का और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस का आपस में ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब मेरी नेचर एक्सपीरियंस को ना कभी कभी डाउन कर देती है। मतलब अगर मैं चाह भी रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं करना, लेकिन मेरी नेचर मेरे से वो करवा देती है, क्योंकि नेचर कांट बी चेंज्ड। बंदा अपनी हैबिट्स तो चेंज कर सकता है वक्त के साथ साथ, लेकिन नेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकती है। अभी तक तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही चल रहा है, बाकी हो सकता है वक्त के साथ साथ मेरी नेचर भी चेंज हो ही जाए। कोशिश तो करती हूँ कि चेंज कर लूँ। खैर, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम अतिया की तरफ आए हुए हैं। अतिया की तबीयत आजकल कुछ खराब है, मेरी छोटी बहन की ना कुछ नहीं, काफी ज्यादा खराब हुई है। तो बस उधर गए हुए थे, तो आयशा और इक्तिशान हमारे साथ गए थे। आयरा कह रही थी, आयरा कह रही थी मम्मा आप आयशा को भी छोड़ दें, लेकिन मैं फिर आयशा को ले गई थी। वो ना अतिया के घर जाके बहुत ज्यादा खुश होती है, सिर्फ वो ही खुश नहीं होती है, हमारे सब बच्चे अतिया के साथ इतने खुश होते हैं। छोटी हाल है ना, तो बस छोटी हालों से इसी तरह प्यार होता है सब बच्चों को। बाकी सब बच्चे अकेडमी गए हुए थे, इज़ू और मोहम्मद कासिम, मरूश और मोहम्मद ना चारों अकेडमी गए हुए थे, और यासिर हम अतिया की तरफ ड्रॉप कर रहे थे। हमने फिर इमरान भाई के साथ वापस आना था, क्योंकि मैंने यासिर को कहा था कि मैंने ना कुछ टाइम अतिया के साथ स्पेंड करना है, मैं और अदल वहीं रहेंगे। तो हम लोग फिर 3-4 घंटे वहीं रहे थे। खाना वाना पहले हम लोगों ने नीचे खाया, अतिया तब नीचे ही थी, फिर हम लोग ऊपर अतिया के रूम में आ गए, तो वहीं पे फिर चाय हम लोगों ने पी। उसके बाद तैमूर आ गया, मतलब तैमूर, फैजी और आयजल आ गए थे। ये लेट नाइट आए थे, आई थिंक 10 o'clock हो गए थे, तो तब आए थे। तो फिर इमरान भाई पिज्जा ले आए, साथ में केक था, साथ में फ्रूट थे, पहले वो खाए और बाद में पिज्जे के साथ कोल्ड ड्रिंक पी। अल्लाह ताला मेरी बहन के लिस्ट में इजाफा करे, अल्लाह उसे दुनिया की हर खुशी दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग दुआओं में याद रखियेगा मेरी सिस्टर को भी। तो खैर, फिर हम इमरान भाई के साथ घर आ गए थे, और घर आए तो ये देखें जी, ये मिठाई आई हुई थी हसन के बेटे की ना, चचा का जो पोता हुआ है, उनकी मिठाई आई। चले व्यूवर्स, अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज मिलेंगी। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें आप लोग, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें। तो ये देखें जी, आयशा ब्रेकफास्ट कर रही है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, और ये देखें जी नुटेला का ऑल्टरनेट है मोरसल, मतलब जिस तरह नुटेला होती है ना उसी तरह ये मोरसल है, ये भी बहुत मजे की होती है, और नुटेला से कम प्राइस में ये मिलती है। इतना सजा ना 1 week चलता है मेरे किचन में बस, क्योंकि आयशा और मोहम्मद कासिम इतना ज्यादा ये खाते हैं, इज़्ज़ू को भी पसंद है लेकिन वो इनकी तरह इतना ज्यादा नहीं खाती। तो बस नुटेला तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था, तो अब मैं बस ये मोरसल ले आती हूँ, ये भी नुटेला ही लगता है आयशा को। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।
चलिए व्यूवर्स अब जल्दी से बना लेते हैं हम अपनी गोल्डन टी। बेसिकली गोल्डन टी गोल्डन मिल्क है। मैं इसे गोल्डन टी इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये हॉट हॉट पी जाती है, मतलब टी की तरह मैं इसे पीती हूँ। तो बस इसे शुरू से मैं ना गोल्डन टी ही कहती हूँ। ये देखें जी, इसके ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे घर में ही होते हैं। दूध भी होता है, सॉरी दूध ऐड करके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें शुगर भी ऐड होती है, फिर 6 इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। खैर इसमें सौंफ, दालचीनी, सबज़ इलायची और हल्दी ऐड करनी है हमने। दूध को पहले गर्म होने देना है और चारों चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है, और इसे 2 जोश आने के बाद इसमें चीनी ऐड कर लेनी है, और बस चीनी ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए पकाना है और हमारी टी रेडी है। व्यूवर्स जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो इतने बेनिफिशियल है ना, सबसे पहले तो मैं मिल्क आपको बताती हूँ। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसके बाद डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी होती है इससे, और इतना रिलैक्स होता है ना बंदा, स्पेशली रात को गर्म दूध पी के सोए, अंदर सिर्फ हल्दी ऐड करके पी के सो जाए, इतना रिलैक्स होके सोता है, बहुत अच्छी नींद आती है। और मिल्क में कैल्शियम होता है, ये तो सभी को ही पता होता है। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो उसे भी इम्प्रूव करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि दालचीनी के क्या बेनिफिट्स हैं। दालचीनी में जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, जैसा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं, और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा। इसी तरह सब्ज़ इलायची में भी एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती हैं, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है वो। इस तरह के ये हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करती है। इसी तरह सौंफ भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, मेंटेन रखती है, और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करती है। मतलब ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। चलिए व्यूअर अब इसके मेन इंग्रेडिएंट पे डिस्कस करते हैं, और वो है हल्दी। हल्दी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे जॉइंट्स में जो पेन होती है ना, ये उसे ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म करती है, और इससे ऐसा है कि जो हमें इंटरनली कोई किसी तरह की कोई चोट लगी हो वो ठीक हो जाती है ये पीने से। और इसके अलावा अगर हम ये दूध में डाल के पिए और सो जाएं, नीम गर्म दूध में पी के सोए ना, इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना हम, स्ट्रेस खत्म होता है। ओवरऑल ये गोल्डन टी बहुत अच्छी है, आप लोग सर्दियों में जरूर बनाएं। डेली नहीं पी सकते तो 2-3 दिन बाद एक दिन जरूर पिए। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, अभी मैं वीक में 2 दिन पीती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विंटर में मैं डेली पीऊंगी। अब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कल से कपड़े वॉश हुए हुए थे, वो मैंने संभाल लेते, तो बस बाहर मैंने चेयर्स पे ला के रखे कि चले मैं तय लगा के रखती हूँ, फिर कबर्ड्स में रखती हूँ। तो आयशा फिर अपने कपड़ों को तय लगाने लग गई। आयशा को माशाल्लाह इतना शौक होता है ना कि वो सब काम मेरे साथ करवाए। और फिर यहाँ बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे पास चीज़ें ले आई कि मम्मा पहले आप मेरी चीज़ों की वीडियो बनाएं। उम्मीद है मेरी गोल्डन टी की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और व्यूवर्स आप लोग ये पीजिएगा भी जरूर। आई होप आपकी पेनाडोल जो आप डेली खाते हैं, आप क्या खाते हैं, मुझे भी खानी पड़ती है, क्योंकि मैंने अभी विंटर स्टार्ट, जब से ये ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं तब शुरू की है ये पीनी। गर्मियों में तो बस कभी कभी पी लेती हूँ, तो बस जिस दिन पीती हूँ ना उस दिन मैं पेनाडोल नहीं खाती हूँ। ओके व्यूवर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।